सेशन शुरू करें। सैटरडे है आज, कुछ लोग बाहर के भी जुड़ जाते हैं, इंडिया से भी नहीं, सिंगापुर आदि कंट्री से भी जुड़ जाते हैं। हम अपने विषय को रखें सामने, उससे पूर्व सिंगापुर वाले कुछ श्रावकों की जिज्ञासाएं हैं, डाउट्स हैं, पहले उनको क्लियर करते हैं, फिर अपन विषय और आगे बढ़ाते हैं। महाराज श्री शालिनी जैन सिंगापुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका है महाराज जी, भगवान और मुनिराज को तप करते हुए डर क्यों नहीं लगता, कृपया मार्गदर्शन। बहुत अच्छा प्रश्न है। हर व्यक्ति तप से घबराता है, तप का नाम सुनते ही भयभीत होने लगता है, और मुनिराज जो होते हैं भीषण तप को भी बड़ी समतापूर्वक आनंद से सहित होकर के करते हैं। उनके मन में कोई विकल्प पैदा ही नहीं होता है, लेकिन सामान्य श्रावक, सामान्य व्यक्ति उपवास का नाम सुनते ही सोचने लगता है कैसे होगा। शरीर में जो कष्ट है, काय क्लेश है, वो ध्यान है, घबराने से लगता है। तप मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक बहिरंग तप है और एक अंतरंग तप है। बहिरंग तप यानी अनशन है, ऊनोदर है, वृत्ति का परिसंख्यान कर लेना, रसों का त्याग कर लेना, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, छह प्रकार के बहिरंग तप माने जाते हैं। तप वैसे होते क्या है इस बात को भी समझ लें। तप का अर्थ होता है जब व्यक्ति अपने इच्छाओं को निरोध कर देता है, रोक देता है, मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, वही व्यक्ति तप कर सकता है। जो मुनिराज होते हैं वे भेद विज्ञानी होते हैं, उनकी दृष्टि में शरीर नहीं, उनकी दृष्टि में आत्मा रहती है। जब आत्मा की ओर दृष्टि रहेगी तो वे आत्म कल्याण के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और जो श्रावक होते हैं उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अपनी फिजिकल बॉडी से होता है, वो अपने शरीर में ही सब कुछ खोजते रहते हैं, शरीर के पीछे ही लगे रहते हैं, शरीर के जन्म से ही अपना जन्म, शरीर के मरण से ही अपना मरण मानते हैं। यानी जिसकी गहरी आसक्ति, गहरा अटैचमेंट इस बॉडी से होगा, तो बॉडी में थोड़ा सा भी कुछ एडवर्स कंडीशन में कुछ भी होता है तो वो घबराने लगता है, क्योंकि जो सुखिया जीव होते हैं हमेशा बहुत आराम से जिंदगी जीते हैं, हमेशा नेचर के अगेंस्ट जीते हैं, एयर कंडीशन में रहने वाले, नेचर को अपने अनुकूल बनाने वाले, तो उनकी बॉडी अंदर से इतनी वीक हो जाती कि थोड़ी सी एडवर्स कंडीशन को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। जो मुनिराज होते हैं वे हमेशा नेचर में जीते हैं, जैसा नेचर, जैसा एटमॉस्फेयर होता है उसी के अनुसार अपनी बॉडी को ढाल लेते हैं। गर्मी का एटमॉस्फेयर हो तो वो गर्मी को सहन करते हैं, उन्हें एसी की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा विंटर है, शीत है, तो उन्हें नई हीटर की आवश्यकता है नहीं, वे चला करके हर परिस्थिति का सामना करते हैं। और जो व्यक्ति ऐसी टेंडेंसी को अपना बना लेता है, फिर उसके शरीर में कुछ भी प्रतिकूलताएं उत्पन्न हो तो वो घबराता नहीं है, बल्कि चला करके उस तपस्या को स्वीकारता है। क्योंकि जितना हम तप करेंगे उतनी ही हमारी बॉडी भी ऊपर उठते चले जाएगी, हमारे सहन करने की जो लिमिट है वो बढ़ते चले जाएगी। तो सबसे बड़ा रीजन जो मुनिराज का होता है वो भेद विज्ञान को लेकर के चलने वाले होते हैं। वो ये मानते हैं शरीर तो नष्ट होने वाला है, सड़ने वाला है, गलने वाला है, छूटने वाला है, लेकिन हमारी वैल्यू जो है होना चाहिए आत्मा की, यानी आत्मा की हम वैल्यूएशन करना सीखें। तो उनकी दृष्टि में आत्मा प्रमुख होती है, तो वह आत्मा को प्रमुख लेकर के तपस्या आदि करके बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये विश्वास है कि जितनी हम तपस्या करेंगे उतने ही हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। वे ही कर्म जो हमें हमेशा दुखी करते रहते हैं, तो जब तक कर्म रहेंगे तो कष्ट आता रहेगा। कर्मों को नष्ट करने के लिए, कर्मों को डिस्ट्रॉय करने के लिए यदि कोई मीडियम होता है
तो वह तप का मीडियम होता है, माध्यम होता है। तो तप बिल्कुल वैसे ही है जैसे जलती हुई अग्नि कचरे के ढेर को जला देती है, ऐसे ही वे मुनिराज जब तप करते हैं तो कर्म रूपी जो कचरा होता है उसे धू धू करके जला देते हैं। कभी घबराते नहीं, बड़े प्रसन्न होकर के आनंद से उसे स्वीकारते हैं। इस बात को लेकर के चलो। महाराज श्री आशीष जैन सिंगापुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका है, महाराज जी माता पिता धर्म में रुचि ना लेते हैं तो उन्हें कैसे समझाएं, कृपया मार्गदर्शन। पहली बार ऐसा क्वेश्चन सुना कि बच्चा पूछ रहा है पेरेंट्स धर्म में रुचि नहीं लेते तो उनको हम कैसे समझाएं। अभी तक तो ऐसा ही सुना गया है कि माता पिता हमेशा चिंतित रहते कि हमारा बच्चा मंदिर नहीं जाता है, धर्म नहीं करता है, हमारा बच्चा इधर उधर काम करने में लगा रहता है, खेलने में लगा रहता है। बहुत अच्छी बात है यदि आज के बच्चे ये सोचने लगे, और खासकर अब्रॉड में रह करके यदि बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स धर्म में जुड़ जाए, वो कुछ धर्म करना सीख जाए, तो हम उन्हें कैसे समझाएं, कैसे समझाना चाहिए? समझाने की तो बात ही नहीं होना चाहिए, उन बच्चों को कहना चाहिए हमें आपसे सीखना है कि आप हमसे सीखोगे, सीधी सी बात है। जो छोटा होता है वो बड़ों से सीखने वाला होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भले ही वो उम्र में छोटे हैं लेकिन वह आचरण में कैरेक्टर में बहुत अच्छे होते हैं, तो उन्हें तो यही कहना चाहिए अपने पेरेंट्स से, हमें ऐसे पेरेंट्स चाहिए जिन्हें के जिनके बारे में सोच करके दुनिया को कह करके हमें गर्व फील हो, स्वाभिमान फील हो, ना कि ऐसे पेरेंट्स चाहिए जिन्हें देख करके हम शर्म से अपनी गर्दन झुका लें। यदि पेरेंट्स ही गलत करने लगे तो फिर बच्चे कह लें कि कल से मैं भी वही गलती करूंगा जो आप करते आ रहे हैं, तो पेरेंट्स सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नहीं अब हमें अपने आप को बदलना है, कुछ अच्छा करना है। हाँ चलो आगे। अरहम जैन सिंगापुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका है, महाराज जी गतियां सिर्फ चार ही क्यों होती है, कम ज्यादा क्यों नहीं, कृपया मार्गदर्शन। बड़ी अच्छी क्वेश्चंस हैं, लोग थोड़े धर्म के बारे में पढ़ते भी हैं, इसका मतलब गतियां चार ही क्यों होती हैं, क्यों होती हैं, कम ज्यादा क्यों नहीं होती है? संसार इसी प्रकार चलता है, हमारी आत्मा के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है, सोल के लिए एक बॉडी की आवश्यकता होती है, और वह बॉडी डिफरेंट टाइप्स की होती है। मनुष्य गति में रहने वाले ह्यूमन बीइंग हैं, पशु में रहने वाले वे त्रियंश हैं, देव और नारकी हैं। इन्हीं चार ही गतियों में इन आत्मा का परिभ्रमण चलता है, ये तो नेचर है। अब यदि हम क्वेश्चन करें कि सनराइज ईस्ट से ही क्यों होता है, इसका क्या जवाब है? सनसेट वेस्ट में ही क्यों होता है? नेचुरल फिनोमिना है। अथवा बच्चे को जन्म देने वाली माँ ही क्यों होती है, पिता क्यों नहीं होता? कि डॉक्टर साहब बता दो, कि मेडिकल साइंस ऐसा कुछ रिसर्च कर सकता है कि अब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ समय के बाद अब मेल जो है बच्चे को जन्म देगा, क्योंकि फीमेल जन्म देते देते बहुत समय बीत गई है, वो थक गई है बेचारी, बड़ा दर्द होने लगा था समय के साथ। तो जो नेचर है उसे हम नहीं बदल सकते, तो गतियाँ चार ही होती हैं, उसके अनुसार ही सब कुछ चलता है, इसमें हम तर्क नहीं कर सकते। यदि पाँच होती तो आप क्वेश्चन करते कि पाँच ही क्यों होती, यदि दो होती तो फिर क्वेश्चन करते कि दो ही क्यों होती है। तो हम आँख से ही क्यों देखते हैं, कान से क्यों नहीं देखते? तो ये तो नेचर है बॉडी का, इसमें कोई तर्क नहीं की बात नहीं आना चाहिए। हाँ, महाराज श्री मोक्ष जैन सिंगापुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका है, महाराज जी मुनि महाराज अभिषेक और पूजन क्यों नहीं करते? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुनि महाराज अभिषेक और पूजन क्यों नहीं करते? पहली बात ये समझे, अभिषेक और पूजन की आवश्यकता होती किसे है और क्यों होती है? तो अभिषेक और पूजन की आवश्यकता श्रावक को होती है, श्रावक के कर्तव्य जो होते हैं अभिषेक पूजन और दान से होते हैं। चूंकि श्रावक 2400 घंटा मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, अर्थ पुरुषार्थ यानी मनी को अर्न करने के लिए बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, अब उस मनी को अर्न करने के लिए वो इतना पाप कमा लेता है, इतनी हिंसा कर लेता है, इतनी वायलेंस कर लेता है, इतने मन के परिणाम को खराब कर लेता है, तो उससे वो बहुत पाप का अर्जन कर लेता है। क्योंकि बिना आरंभ सारंभ के, बिना हिंसा के
पैसा आप कमाया ही नहीं जा सकता, चाहे बिजनेस करना हो कोई भी, चाहे जॉब करना हो। तो बहुत सारे दोष लगते हैं, उन दोषों की शुद्धि के लिए, उस पाप की शुद्धि के लिए, उस पाप को कम करने के लिए श्रावक के जीवन में जो आश्रय है वो भगवान का अभिषेक करना और पूजन करना। अब मुनि महाराज तो ना बिजनेस करते हैं ना जॉब करते हैं, वे तो ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं, उनकी समस्त हिंसा का त्याग होता है, समस्त जीवों की हिंसा से भी ऊपर उठ जाते हैं। तो उन्हें अभिषेक और पूजन के लिए आज्ञा नहीं है, उन्हें अभिषेक पूजन नहीं करना है, उन्हें अपनी कर्मों की निर्जरा के लिए दो मीडियम बताए हैं, ज्ञान और ध्यान, यानी मेडिटेशन उन्हें करना है और नॉलेज बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करना है। तो मुनियों के कर्तव्य ज्ञान और ध्यान के हैं और श्रावकों के कर्तव्य जो हैं दान और पूजा से होते हैं। तो मुनि महाराज अपने जीवन को ऊपर उठाते हैं, जितना वे ध्यान करेंगे, जितना वो स्वाध्याय करेंगे, उपयोग को लगाएंगे, उतने ही उनके कर्मों की निर्जरा होगी और श्रावक के जीवन में पुण्य का आश्रय कैसे होगा, जितना वो अधिक दान देगा और जितनी वो भगवान की पूजा करेगा तो उतना ही वह बहुत कुछ कमाएगा। तो वो दोनों फील्ड हैं, दोनों रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते हैं। श्रावक चूँकि पाप करता है तो पाप से बचने के लिए प्रभु का अभिषेक जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है और पूजा जो है उस पाप को धोने का एक सहारा है। इसलिए अगली शंका ऑडियो के माध्यम से। महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अगर किसी के कोई व्रत नियम संयम अगर होते हैं तो क्या वह स्त्री गर्भकाल में भी उन व्रत नियम संयम को नहीं पालन कर पाए किसी कारणवश, तो उसको कितना दोष लगेगा? यदि फिजिकल कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है, डॉक्टर मना कर रहे हैं, तो कोई दोष नहीं लगेगा। व्रत नियम शरीर की शक्ति के अनुसार होते हैं, इस बात को देख लिया, और वही व्रत सही व्रत माना जाता है जब हमारा मन खराब ना हो। यदि मन बहुत ज़्यादा आकुल व्याकुल होने लगा है, चिंता के भाव पैदा होने लगे, राग द्वेष होने लगे हैं, तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। व्रत वो ही फलदायी होते हैं जहाँ समता का भाव और प्रसन्नता और उत्साह बने रहे। तो चूँकि प्रेगनेंसी की स्टेज में डॉक्टर खुद ही परमिट नहीं करता, यदि आप प्रेगनेंसी की स्टेज में करेंगे तो आप व्रत नहीं कर रहे बल्कि पाप कर रहे हैं, क्योंकि उस जीव को घात पहुंचेगा जो आपके गर्भ में पल रहा है, ये हिंसा मानी जाएगी। तो आचार्य भगवान ने अहिंसा व्रत के पालन के लिए श्रावकों को भी कहा है कि शक्ति के अनुसार, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार व्रत और नियम का पालन होता है, इस प्रकार से लेकर के चले। हाँ, जो उसके व्रत छूट जाएंगे तो वो आगे जब स्वस्थ हो जाएगी उस समय कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई उन्हें दोष नहीं लगेगा, कोई पाप के वो भागीदार नहीं होंगे। क्योंकि लॉजिक को हम समझने की कोशिश करें, चाहे वो पूजा का लॉजिक हो चाहे वो व्रत का लॉजिक हो, जब तक लॉजिक नहीं समझा जाएगा कुछ भी नहीं होगा। तो कारण क्या होना चाहिए, व्रत क्यों किए जाते हैं बताओ? यहाँ की महिलाएं भी व्रत करती हैं, उपवास, लेकिन किसी ने नमोकार मंत्र के व्रत लिए होंगे, किसी ने कर्म दहन के लिए होंगे, जिन गुण संपत्ति के, कौन कौन से व्रत लिए आप लोगों ने, लिए कि नहीं? यहाँ के लोगों ने कोई व्रत नहीं पालना, उपवास से करते हो, एकासन से करते हो, एकासन से पढ़ ले देना थोड़ा सा बोलना, ये क्यों व्रत जो है उपवास से होते हैं? हाँ सुनो, व्रत जो है सही व्रत का तरीका जो होता है उपवास, अरे जिंदगी निकल गई खाते 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 खाते, थोड़ा तो सोचा करो, वे आरिकाएं जो होती हैं, मुनिराज होते हैं, इतने तप कर लेते हैं तो हमारा उद्धार कैसा होगा? हा? जब व्यक्ति व्रत करता है तो उसके भीतर वो फीलिंग पैदा होती है कि नहीं देखो मुनिराज हमारे साधु गुरु महाराज कैसे सहन करते, तो हम थोड़ा सा तो सहन करके देखे एक दिन। और मेडिकल साइंस भी बोलता है वंस इन ए वीक तो फास्टिंग होना ही चाहिए, जो हफ्ते में एक दिन उपवास रखता है वो बीमार नहीं पड़ता है, ने शरीर भी स्वस्थ रहता है और आत्मा भी स्वस्थ रहेगी। तो यह लालसा छूटना चाहिए, ग्रद्धता छूटना चाहिए, और कभी भोजन के त्याग से कभी भी बीमारी नहीं आती, इस बात को समझना। पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों से कहते थे जब कोई भी व्यक्ति उपवास करता है, निर्जल उपवास करता है, तो हमारे शरीर में से कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं और हमारे रोगों को नष्ट करते हैं।
और वे तब होंगे जब व्यक्ति निर्जल उपवास करेगा, एकासन में नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी को भी, जो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स है उन्हें भी तो रेस्ट की आवश्यकता होती है कि नहीं। जब आप थक जाते हो तो आपको रेस्ट की आवश्यकता होती है, तो हमारे शरीर के अंगों को भी रेस्ट देना, रेस्ट इसलिए नहीं बल्कि रेस्ट इसलिए दिया जाता है कि वो और अच्छे फुर्ती से बाद में काम कर सके। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं तो और अच्छे से हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो व्रत करने का जो सिद्धांत है विज्ञान के अनुसार भी है और धर्म के अनुसार भी है, उपवास से होना चाहिए। लेकिन वही व्रत सही व्रत माना जाता है जब परिणाम दिन भर धर्ममय बने रहें, आर्त रौद्र ध्यान के विचार पैदा ना हो, संक्लेश का भाव पैदा ना हो, चिंता का भाव पैदा ना हो, यानी बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। व्रतों में आप लोग क्या, कई लोग सो जाते हैं, बढ़िया चादर तान करके बोले आज उपवास है तो सो जाओ, अच्छा। और कई महिलाएं हैं व्रतों में घर गृहस्थी के सारे काम करने लगती हैं, छानना बीनना धोना सफाई, वो जो काम कभी नहीं करते, बोले उपवास आज है, खाली है। तो व्रत के दिन क्या करना चाहिए, आरंभ सारम के कार्य नहीं, पाप के कार्य नहीं, बल्कि स्वाध्याय जाप माला सामायिक ध्यान, यानी पूरा दिन धर्ममय बीतना चाहिए। हम लोगों का चातुर्मास नीमच में था, सुनना, वहाँ अष्टमी चौदस को जिन महिलाओं के उपवास रहते थे तो उनका नियम रहता था, वो सवेरे से मंदिर आ जाते थे और रात के 9 बजे तक सिर्फ मंदिर में ही रहते थे, जितनी महिलाएं हैं वहाँ का नियम ही ऐसा, जितना भी जितने भी व्रत करेंगे पुरुष वर्ग अथवा महिला वर्ग, पूरा दिन वो मंदिर में ही बिताते। बोले हम जीवन भर आर्त रौद्र ध्यान में उलझे हुए हैं, इधर उधर के कार्य में उलझे हैं, एक ही दिन तो मिलता है, तो ये सही तरीका होता है ज्ञान ध्यान में परायण रहना, स्वयं उस ज्ञानामृत का पान करना और दूसरों को कराना, तो व्रत सार्थक माना जाता है, यानी पापों से बचाना। कितने लोगों के व्रत हैं, करते हैं उपवास से, तो दिन भर ध्यान धर्म ध्यान में, धर्म ध्यान में होना चाहिए, कोशिश करें, अथवा घर में एक ही मेंबर, तो जितना कम से कम हो, बहुत मजबूरी में करना पड़े तो काम करना, अदरवाइज बढ़िया माला फिरो, स्वाध्याय करो अच्छे से, प्रवचन सुन लो। माइक से बोलो, हमको आवाज नहीं आ रही, ठीक है। वो अपना विषय चल रहा था कल का, थोड़ा सा रह गया था, उसको पूरा और कर लें, पूजा वाला। चूंकि आप आवाज ऑन करके बोलो, अष्टांग का एकासन से करते हैं। हाँ, तो चूंकि 8 दिन कंटिन्यूटी में कोई नहीं कर पाता, तो कम से कम पहला और अंतिम जो है उपवास से हो जाए, बाकी 6 दिन आपके एकासन से हो जाए, चल जाएगा। यानी मुख्य बात जो होती है, देखना इस बात को, आपको उस व्रत को करने पर आनंद पैदा हो रहा है आपके मन में कि मजबूरी में कर रहे हैं, संक्लेश पैदा हो रहा है, पहली बात बताना। भले ही उपवास कर रहे हैं, एकासन कर रहे हो, आनंद का भाव पैदा होता है कि उपवास में लोग बड़े कोसते हैं, सो रहा है, दिन भर टीवी देख रहा है, इधर उधर के काम कर रहा है, यानी धर्म से बचने की कोशिश क्यों चल रही है? इसका मतलब है व्रत के विज्ञान को भी समझा ही नहीं, उपवास के विज्ञान को समझा ही नहीं। यदि आनंद आ रहा है तो वो तप की श्रेणी में आएगा, अन्यथा वो एक लंघन की श्रेणी में है, कैटेगरी। लंघन यानी डॉक्टर के हिसाब से कुछ नहीं खाना, फास्ट करो, वो लंघन कहलाएगा। लेकिन हम उत्साह से कर रहे हैं तो वो तप की श्रेणी में, धर्म की श्रेणी में, कर्म निर्जरा का साधन बनेगा। जब भोजन भी त्याग कर रहे हो तो अच्छे से मन की भोजन को भी त्याग करो ना। 2 प्रकार का भोजन होता है, उपवास जो तप होता है ना, किसे कहते हैं उपवास? डाइटिंग करने का नाम उपवास नहीं है, विषय आहार और विषय आहार कषाया नाम त्यागस्तु। जहां विषय आहार और कषाय का त्याग होता है, स उपवास विज्ञेय शेषम तु लंघनम विदुः। यानी जिस दिन व्रत होता है उस दिन क्या होना चाहिए, आहार का त्याग तो होगा ही, विषय पंचेंद्री के विषय और कषाय।
यदि विषय और कषाय त्याग हो रहे हैं उस दिन, तो उसे अनुशन तप व्रत जानना नहीं है तो वो क्या है, लंघन है। और अधिकांश लोग जो है लंघन करते हैं, उपवास नहीं करते। शरीर का उपवास होता है और मन का भी उपवास होता है। शरीर के लिए भोजन नहीं देते हैं तो शरीर का उपवास, अगर मन का उपवास कौन सा है, इंद्रियों के विषय की जो इच्छा है वो छोड़ना, अपना अहम का भाव जो पैदा हो रहा है उसको कंट्रोल करना, जो क्रोध की भावना पैदा हो जाती गुस्सा है उस दिन गुस्सा नहीं आना चाहिए, जो लालच है लोभ है अथवा मायाचारी वो छूट रही है कि नहीं उस दिन, यानी एक दिन के लिए श्रावक भी क्या क्या हो जाता है, मुनि महाराज की भांति हो जाता है और श्राविका जो है माताजी बन जाती है एक दिन के लिए। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने रत्नकरणक श्रावकाचार में कहा है, यानी वह श्रावक जो एक दिन का उपवास कर लेता है तो महाव्रताय परिकल्प्यन्ते, महाव्रत की भांति हो जाता है, यानी अनुव्रति श्रावक, छोटी मोटी चीज नहीं है। प्रैक्टिस आप एक ही दिन की कर रहे हैं लेकिन किस फीलिंग से करना, एक दिन के लिए मैं माताजी बन जाऊँ तो माताजी झाड़ू पोछा करती हैं, माताजी कपड़े धोती हैं, माताजी गेहूँ चावल बीनती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, नहीं करती ना, क्या करती हैं, धर्म ध्यान ना, तो एक दिन के धर्म ध्यान करो। समझ में आ रहा है ये बात, नहीं आ रही। सब भोजन छोड़ने का नाम व्रत समझते हैं, एकासन का नाम व्रत, एकासन हो गया मतलब हमारा व्रत हो गया, व्रत इतने सरल नहीं होते हैं, व्रत तो अंतरंग का विषय होता है, यानी धर्म की वह क्रिया जो हमें अंदर से आनंद देती हो, तो मानना हम धर्म कर रहे हैं। हाँ, खड़े होकर के माइक से बोलना, हाँ करके पूछा करो, घबराया नहीं करो, आप विद्वान लोग पूछ लेते तो सबका विषय क्लियर हो जाता, हाँ सबको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, पर्पस हमारा यही है कि विषय सबका क्लियर हो जाए, कोई भी ऐसे है। हाँ। जिस घर में महिला एक सिंगल हो, हाँ, परिवार को चलाना तो वो कैसे करेगी? हाँ, जिस घर में सिंगल महिला हो घर परिवार को चलाना तो कैसे करेगी? हाँ, सब करेगी वो, लेकिन मजबूरी में करेगी, क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी है मैं पूर्ण रूप से मंदिर में नहीं बिता सकती तो मुझे करना पड़ रहा है, यानी वो घर के कार्य में आनंद नहीं लेगी, अंतर समझना। अब पुरुष वर्ग भी उपवास करते हैं, दुकान नहीं छोड़ पाता, सिंगल पर्सन है, दुकान जाएगा, करना पड़ेगा मजबूरी में, लेकिन क्या करूं, ठीक तो नहीं है, नहीं आना चाहिए था, मजबूरी है, पर होता आपके साथ है दुकान में आनंद आता है, आपको संसार में आनंद आता है, तो ये गलत है, यानी जहाँ आनंद आना चाहिए था वहाँ तो निरुत्साहित हो जाते हो धर्म में, और जहाँ हतोत्साहित होना था मजबूरी की बात थी वहाँ मजबूती से कर रहे हो, समझ रहे हो ना, यानी व्रत में मजबूरी का काम व्यक्ति मजबूती से करता है, तो जहाँ मजबूरी आना चाहिए वहाँ मजबूती आ जाती है, और जहाँ मजबूती आना चाहिए वहाँ मजबूरी आ जाती है, तो धर्म के क्षेत्र में मजबूती से मतलब आनंद, उत्साह, आह्लाद, अंदर ही अंदर खुशी होना चाहिए, मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मेरी आज प्रसन्नता का पारावार नहीं है, ये भाव पैदा होता, आप तो कोसते हैं अरे कहाँ आप ले लियो, महाराज जी ने उपवास दे दी, महाराज जी की बातों के सुन करके उपवास तो ले लिए, फंस से गए, हाँ वो प्यास लग रही, गर्मी कितनी है, 45-45 डिग्री टेम्परेचर है, महाराज जी को तो क्या बोलना ही अकेले होता है, लेकिन हमें सब कुछ देखना है, विकल्प पैदा होने लगता है ना, जब प्यास लग रही हो तेजी से, भूख लग रही हो, कौन सा भाव आता है, कौन सा भाव आता है उस समय, ये भाव आता है कि तो मेरे से कर्मों की निर्जरा हो रही, यानी आनंद में कमी नहीं आना चाहिए, हर धर्म की एक्टिविटी में उत्साह में कमी नहीं आना चाहिए, लेकिन होता बहुत उल्टा है, जितने लोग भी धर्म करते हैं अधिकांश लोग उनके चेहरे मुरझाए जैसे हो जाते हैं, नहीं शारीरिक शिथिलता के कारण मुरझाए अपन नहीं कह रहे, मन से वो मुरझा जाते हैं, हम ये कह रहे हैं, जो धार्मिक व्यक्ति होता है ना उसी की उसे देख करके, उसके चेहरे को देख करके दुनिया वाले बड़े खुश होते हैं, धर्म करने से जीवन में खुशियां आ जाती है, पर हम देख रहे हैं जितने लोग धर्म करते हैं उनके चेहरे को देख करके लोग बोलते इससे तो अच्छे हम ही हैं, इनसे तो अच्छे हम ही हैं, मंदिर नहीं आते,
जी बोल दे, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो देखना क्या किया जा रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग। धर्म को बदनाम नहीं करो। हमारे व्रत धर्म को बदनाम तो नहीं कर रहे है, हमारा नियम जो है लोगों को धर्म से पीछे तो नहीं खींच रहा है, हमारा संकल्प जो है लोगों को डिमोटिवेट तो नहीं कर रहा है धर्म से। यदि हमारा एक भी नियम, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक आसन हो उपवास हो, अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है, मोटिवेशनल एक फैक्टर बन रहा है, तो समझना बहुत अच्छा चल रहा है। और हमें देख करके लोगों को डीमोटिवेशन क्रिएट हो रहा है, हतोत्साहित हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं अरे इनसे तो अच्छे हम ही हैं, तो समझना हम धर्म की अप्रभावना कर रहे हैं। कितने लोग हैं जिन्हें देख करके दुनिया वाले मोटिवेट होते हैं, यार ये भैया रोज पूजा करते हैं, पूजा करने से इसके चेहरे में बड़ी प्रसन्नता नजर आती है, इसके रहने का स्टाइल बड़ा अच्छा सा हो गया है, इसकी सोच बहुत अच्छी है, इसका घर का वातावरण बड़ा अच्छा सा लगने लगा है, ये सब पूजा करने के कारण हो रहा है, अब मुझे भी ऐसे ही पूजा करना है। क्या सुनो भाई ऐसा होता है क्या? हाँ बताओ डॉक्टर साहब, ऐसा होता है बताना थोड़ा सा हमें, होता होगा? होता होगा, लेकिन अपन को सोचिए पता चलेगा ये। अपन को नहीं पता। अच्छा, आपको देख करके कितने लोगों ने व्रत का नियम ले लिया, हम ये पूछना चाहते हैं। आपको देख करके कितने लोग रोज पूजन अभिषेक करने लगे हैं, दान देने लगे, हमें पूछना चाहते हैं। मेरे माध्यम से महाराज श्री, हाँ जी, कम से कम मैंने अपने हाथ से एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से, जो अजैन मतलब जैन तो था लेकिन नाम का जैन था, हाँ नाम का जैन था, लाइन पे लगा, आज इतना ज्यादा पूरा परिवार लग गया लाइन पे। बहुत अच्छी, यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। हमें कौन से परिणाम हमारे भीतर पैदा हो रहे हैं इस बात को देखना है, यानी उत्साह होना चाहिए, अंदर से लगना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, और हमें देख करके लोगों को अट्रैक्शन आना चाहिए कि नहीं यार, जब से ये धर्म से जुड़ा है इसका जीवन ही बदल गया है, अंतरंग का जीवन बदल गया, अंदर से खुश रहने लगा है, बस ये भावना होना चाहिए, ये सही धर्म होता है। हाँ माइक ऊपर करके बोलो थोड़ा सा। जिसका बड़ा परिवार है, हाँ, बहुत बड़ा, अब वो व्रत उपवास करना चाहता है, हाँ, तो उसमें ना थोड़ी संकीर्णता या कलेश भाव क्षण भर के लिए आ जाते हैं कि उसके धर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, हाँ, तो उसके लिए क्षण भर माता, हाँ, तात्कालिक, यदि देखो संयुक्त ज्वाइंट फैमिली होती है, ज्यादा मेंबर्स होते हैं, अब एक जन उपवास कर लेगा तो थोड़ा सा काम का बोझ जो है दूसरों पर आ जाता है, अब देवरानी पे सारा बोझ आ गया तो वो सोचती होगी जिठाने, हाँ वो देवरानी बोलती होगी धर्म तो वो कर हाँ सारा काम हम, यदि ऐसे ऐसा माहौल तो इसे सौभाग्य मानना, हम करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, तो वो उपवास करेगा ऐसा नहीं, 16% आपको मिल, कभी भी उसे कोसना नहीं, घर के मेंबर यदि धर्म कर रहे हैं और आप उन्हें कोसने लगे तो और मान करके चलना, आने वाले समय में आने वाले भाव में कुछ नहीं मिलेगा, होना चाहिए और स्वीकार का लाभ मिल रहा है। योगी बनना सीखो, कंट्रीब्यूशन देना सीखो, न कि कंप्लेन करना सीखो। तो आपका कंट्रीब्यूशन होता है, कंप्लेन शुरू हो जाती है, सबकी कंप्लेन शुरू, कंट्रीब्यूशन तो होना क्या चाहिए, हम कंट्रीब्यूट करना सीखें इस बात को लेकर के। कल का विषय थोड़ा सा और रह गया था पूजा का, कितने अर्घ हो गए थे? हाँ, अंधकार विध्वंस नाय दीपम निर्वपामी थी स्वाहा, ठीक है यही कहा था। कितने लोगों का मोह कम हो जाता है? मोह तो कम होता ही नहीं किसी का, यदि मोह कम हो गया तो गाय को घर में रहते हैं नहीं होता, थोड़ा तो कम होता है। अरे जी मोह ही कम, मोह ही एक ऐसी चीज है, मोह का मतलब अटैचमेंट, और देखना डिटैचमेंट से ज्यादा खतरनाक अटैचमेंट,
द्वेष से ज्यादा खतरनाक राग होता है, शत्रु से ज्यादा खतरनाक किसी से गहरा लगाव होता है। से बच सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं, ये मेरा शत्रु है, सावधानी रखना। लेकिन जिससे बहुत ज्यादा मोह हो जाता है तो व्यक्ति को ये प्रतीत ही नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूं, व्यक्ति को ये भाव ही नहीं पैदा होता है कि मैं कुछ पाप कर रहा हूं अथवा ये ठीक नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ? हमारी दृष्टि में जो गलत था वह सही के रूप में आने लगा, और जब जब गलत को हम सही समझने लगेंगे तो समझना हमारा कभी विकास नहीं हो सकता। तो शत्रुता का भाव, द्वेष का भाव तो समझ में आ जाता है ये ठीक नहीं है, लेकिन दूसरे में राग के में व्यक्ति को समझ ही नहीं आता है कि मैं कुछ कर जा रहा हूँ। हाँ, क्या पूछे? संस्कार हमेशा से बने हैं और हम पूजन भी प्रतिदिन कर रहे हैं, उसके संस्कार भी बने हैं। हाँ। लेकिन फिर भी वो संस्कार क्यों नहीं छूट रहे हैं? पुराने संस्कार क्यों नहीं छूट रहे हैं? कौन सा संस्कार? पुराना वाला। अभी आपने कहा जैसे कि मोहांधकार विध्वंसनाएं बोलते हैं। हाँ। तो मोह तो छूटा नहीं। हाँ। अब देखो, बहुत अच्छा प्रश्न हम उसका। घर में एक कचरा आ जाता है हवा के माध्यम से उड़ करके, तो उसे आप झाड़ू लगा करके आसानी से साफ कर सकते हैं। लेकिन आपने किसी ऑयल की दुकान को देखा है या तेल की दुकान होती है, उसकी फ्लोरिंग को देखा है? जो फ्लोरिंग होती है वो जिसमें ऑयल गिरता रहता है उसमें धूल मिट्टी चिपकते जाती है। अब वो इतनी गहरी चिपक जाती है और इतनी लेयर मोटी हो जाती है। अब आप सोच रहे हो कि जैसे धूल आई है घर में, झाड़ू लगा करके हमने साफ कर दिया, अब वो ऑयल की जो लेयर, ऑयल के कारण जो मोटी लेयर बन गई है, तो वो क्या झाड़ू से साफ हो जाएगी? क्यों? आप तो झाड़ू लगा रहे हो, अच्छा ही काम कर रहे हो, साफ क्यों नहीं होगी? हाँ, यदि उस लेयर को हटाना है तो वो मात्र झाड़ू से काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? खुरचना पड़ेगा कुछ से। तो आप देखना, आप जिस संस्कार को हटाने की भी बात कर रहे हैं तो आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दिया कि नहीं? सामान्य से कहा जा रहा है झाड़ू लगाने से घर की गंदगी दूर हो जाती है, सामान्य, ये तो सामान्य की बात है ना, जो थोड़ा मोड़ा कचरा होता है वो निकल जाएगा। लेकिन सबके संस्कार मोह के कितने घने हैं, कितने घने हैं, वो लेयर जो है इतनी मोटी और वो इतनी सॉलिड हो जाती है, पत्थर की भांति हो जाती है, आसानी से नहीं निकलते। तो मोह की लेयर सबकी पत्थर की भांति हो गई है। अब उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। झाड़ू से भी नहीं जाएंगी, वैक्यूम क्लीनर से भी नहीं होगी, पोछे से भी नहीं निकलेगी वो लेयर, एक ग्राइंडिंग मशीन से ग्राइंड करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वह मोटी लेयर निकलेगी। तो मोह की लेयर भी ऐसी घनी और मोटी हो गई है, अब ग्राइंड करना पड़ेगा। तो वैसे तप को अपनाना पड़ेगा, ऐसी कठोर साधना करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के मोह कम होगा। और वो पूर्ण रूप से होता है जो सब कुछ त्याग करके महाव्रत को ले लेते हैं ना, दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो अब सब कोई तो दीक्षा ले नहीं सकते, तो जो प्रतिमा ले लेता है श्रावक, यानी छोटा ग्राइंडर उसने अपना लिया, अब वो भी लेयर निकाल रहा है लेकिन एकदम से नहीं, लेकिन उसकी लेयर अब निकलते जाएगी। यानी जैसे ही वो प्रतिमा ले लेता है तो उसका मोह बहुत कम हो जाता है। मिथ्या दृष्टि की अवस्था में उसका मोह कैसा होता है? अनंत कालीन होता है। अवृत्ति सम्यक दृष्टि बन जाता है तो उसका मोह 6 महीने तक का रहता है। किसी से बहुत ज्यादा लगाव, बहुत ज्यादा राग है तो उसका संस्कार काल कितना? 6 महीने का। प्रतिमा लेते ही उसका संस्कार काल क्या होता है? घट करके 15 डेज तक आ जाता है, 15 दिन तक आ जाता है। तो ये अंदर से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा तब संभव होगा, बैठे बैठे संभव नहीं होगा। तो उस मोह को पकड़ो, जो राग रूपी मोह है वो कितना गहरा हमारे भीतर जम चुका है।
पकड़ में आता है कि नहीं आता? नहीं आता। शत्रु को शत्रु तो जानो पहले, गलत को गलत तो जानो, मोह भी खतरनाक है ये भी तो जानो, और उसी मोह के कारण व्यक्ति सब कुछ करते रहता है। बच्चे के लिए क्या क्या नहीं कर लेते आप, करते हो ना? बेटे की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, तो फिर वह उस मोह के कारण पाप भी करने को तैयार हो जाता है। कहने का अभिप्राय है, मात्र शत्रु के कारण ही पाप नहीं कर रहा, सबसे बड़ा वह लोभ के कारण पाप करता है। इस कारण कहा जाता है लोभ पाप को बाप बखानो, कि मोह के कारण, इस लोभ के कारण कुछ भी करने जाएगा, वो सब द्वेष भी करेगा, हिंसा भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, चोरी भी कर लेगा। तो उस मोह को तोड़ने का जिसने ठान लिया, संकल्प ले लिया, समझना उसका पुरुषार्थ सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो भगवान की पूजा करते समय, दीप चढ़ाते समय सोचा करो कि मेरा मोह कैसा है, कम ही नहीं हो रहा है, हाँ, कुछ भी कम नहीं हो रहा, कुछ भी मोह कम नहीं हुआ आपका। आपका मोह जो है व्यक्ति के प्रति है, आपका मोह है जिह्वा के प्रति है। खाना है तो कुछ भी खाते हो, पीते हो तो कुछ भी पी लेते हो, आपका मोह ना जाने कितना है, थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आ रहा। हाँ, उसके बाद का नंबर कौन सा अर्घ है, कौन बताएगा, कौन बताएगा हमें खड़े होकर के? क्या चढ़ाते हो दीप के बाद क्या आता है, दीप के बाद क्या आ रहा है, धूप। हाँ, तो क्या बोलते हैं धूप में, अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। क्या अर्थ हुआ, कर्म को दहन कितने लोग करना चाहते, कौन सा कर्म चाहते हो? आपका मोह है, आपका ज्ञानावरणी है, दर्शनावरणी है, अंतराय है, आपका नाम भी चला जाएगा, नाम भी नहीं रहेगा, चाहते हो? अरे वो धूपम निर्वपामिति, और यहां पे न पट्टा लगना चाहिए मेरे नाम का। एक तरफ क्या बोल रहे हैं, पटिया कौन सा कहां पर लगेगा, फ्रंट में, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने कुछ किया है, दिया है, इतनी सेवा की है, इतनी मेहनत की है, और सबके मुखमर क्या होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। और कह रहे हो नाम कर्म विध्वंसनाय, नाम में ही तो वो यश छिपा हुआ, यश कीर्ति है, वो भी तो नाम कर्म है। शरीर भी चला जाएगा, चाहते हो अंदर से शरीर भी नष्ट हो जाए, नाम भी चला जाए, यश कीर्ति भी चला जाए, कितने लोग चाहते हैं कि मेरा यश ना फैले, अब मुझे यश की कोई आवश्यकता नहीं है, नाम की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रसिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मुझे पूछे ना पूछे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो नेमलेस हो जाऊं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं, हाँ डॉक्टर साहब खड़े हो गए, बोलो, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं, हाँ ऑन करके बोलो, हाँ बोलिए। आपका मेंटल स्टेट किस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, क्या चाहते हो, वही नेम एंड फेम, नेम एंड फेम ही चाह रहा है, सोचा ही नहीं, क्यों नहीं सोचा, क्योंकि हमारा जो सोचने का जो तरीका है अभी तक वह उस लेवल पे पहुंचे नहीं है कि ये चीज सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है ये। तो पूजा करते समय क्या सोचते हो, ऐसा तो नहीं हम आपको बहुत ऊपर की लेवल की बात कर बता रहे हैं, जो आपके लेवल से बहुत कोसों ऊपर हो, ऐसा तो नहीं हो गया, क्योंकि जो हम समझा रहे हैं बहुत हाई लेवल की चीज तो नहीं हो रही, क्योंकि हम तो ये समझा रहे हैं कि नाम की भी बात नहीं है। आप बोलोगे महाराज जी सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी की तो जो स्टेटस होती है वो सब देख करके चलना पड़ता है, ये तो आपके लिए मुनि महाराजों के लिए नाम नहीं होना चाहिए, ख्याति नहीं फैलना चाहिए, हाँ प्रसिद्धि नहीं होना चाहिए, हम श्रावकों के लिए तो सब कुछ होना चाहिए, ऐसा
भले ही छोड़ नहीं पा रहे हो, भले ही कर नहीं पा रहे हो, कम से कम एक भाव तो भीतर पैदा होना चाहिए। पहली स्टेप तो यह है कि भीतर से वो भाव पैदा हो। धूप चढ़ा रहे हो, धुएं में वो उड़ जाए सब, मैं भी धुएं में उड़ जाऊं, मेरा शरीर भी उड़ जाए, मेरा नाम भी उड़ जाए, कभी भाव ही नहीं आता। एक भी दिन भाव नहीं आया आज तक, हाँ, एक भी दिन भाव नहीं आया, नहीं। आठों कर्मों के नाश करने की भावना बहुत बड़ी भावना है, छोटी मोटी भावना नहीं है। कोई हमें पहचानने वाला नहीं रहेगा। अच्छा, एक बहुत अच्छी सी बात आपसे पूछते हैं, पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? हाँ, पहले तीर्थंकर कौन से? ऋषभदेव। ये वर्तमान 24, इसके पहले 24 हुई है, भूतकाल की 24 है ना, आप पूजा करते ना, भूत भविष्यत वर्तमान की 30-24, तो भूतकाल की 24 भी हुई है। अच्छा, भूतकाल की 24 के नाम का कौन बताएगा? पहले तीर्थंकर कौन? नहीं मालूम, पढ़े नहीं। हाँ, लिखे तो है, हमारे जिंदवाणी में तो लिखे लिखे याद नहीं। अच्छा, उससे पहले भी 24 ही होगी, कितनी 24 ही हो गई हैं? कितने 24 तीर्थंकर हो चुके हैं? एक 24 ही, दो 24 ही, कि 3 24 ही, कितनी, कि 30 24 ही, कितनी 24 ही हो चुकी हैं, किसी को पता है? बताओ। अनंत 24 ही हो चुकी है, अभी पिछली 24 के पहले तीर्थंकर का नाम हमें नहीं मालूम। और तीर्थंकर सबसे पुण्यशाली जीव होते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है, उनसे बड़ा जगत का कल्याण करने वाला कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, नहीं, जिनके माध्यम से अनेकानेक जीवों का कल्याण हुआ उनका नाम भी लेने वाला कोई नहीं है। हम ये कह रहे हैं उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, उन्हें भी कोई नहीं पहचान रहा। जब उन्हें कोई नहीं पहचान रहा तो हमें कौन पहचानेगा? क्यों? तीर्थंकर के माध्यम से तो सबका कल्याण हुआ है ना। हमें से वर्तमान 24 ही पता है, भूतकाल की 24 ही के नाम कुछ नहीं, किसी को नहीं पता। यदि कथनचित किसी को पता भी हो, कदाचित उससे पूर्व भी 24 ही है, उनके नाम तो शास्त्रों में भी नहीं मिलते। खड़े होकर के बोलना थोड़ा, नहीं नहीं, कंसेप्ट क्लियर करो। हम ये चाहते हैं किस नाम के पीछे पड़े हुए हैं हम, देखो क्लियर हो जाएगा तो जीवन भर काम आएगा। किस नाम के पीछे, किसके पीछे पड़े हैं अपन? वर्तमान नाम के। तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा? हाँ, इस मंदिर को किसने बनाया पूर्व में? उनके पहले क्या उनके नाम लेने वाले हैं? अरे जब अच्छे अच्छों के नाम लेने वाले नहीं बचे तो हम कहाँ पटिया लगाने के चक्कर में पड़े, कहाँ नाम के चक्कर में पड़े कि मेरा नाम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? नहीं तो हम तो बोल रहे चलो पटिया तो लगवाना चाहिए, हम भी बोल रहे पटिया लगाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा मिले कि मेरे पूर्वज ऐसे रहे जिन्होंने दान दिया, मंदिर बनाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये इसलिए है कि पूर्वजों को प्रेरणा मिले, उसलिए। लेकिन आप अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा बोल रहे हो, कभी सोचते भी हो कि मुझे नाम को भी नष्ट करना है अपने? कभी ये भी सोचते हो कि मैं अब शरीर भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि नाम करने के कारण ही शरीर मिल रहा है, नाम करने के कारण यश कीर्ति मिल रही है। अच्छा, थोड़े करके बोलना। बोलो बोलो बोलो, क्या बात है, समझ में तो आ ही जाएगा। नमस्तु, अभी तो यही नहीं मालूम महाराज जी अष्टकर्म क्या है, तो उनको दहन कहाँ से करेंगे? अच्छा, अभी अष्टकर्म ही नहीं मालूम हुआ है तो फिर दहन करने की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, पर स्वाध्याय नहीं किया। पहली बार मालूम पड़ा कि उसमें नाम कर्म भी आता है। ठीक है, स्वाध्याय नहीं किया, वो तो धीरे धीरे आ जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो किया जा रहा है, क्रियाएं में व्यक्ति डूबा हुआ है, रत्ती मात्र भी नहीं सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूं मुख से उसका भाव कितना गहरा है। रंच मात्र भी भाव पैदा नहीं होता, समझ रहे हैं? तो कितनी उथली पूजा है। सोचना आप, जब अर्घ चढ़ाओ तो
धूप चढ़ाओ तो, कि मुझे नाम की कोई आकांक्षा नहीं है। आठवें नंबर का कौन सा है? मोक्ष फल प्राप्त है। कौन सा फल चाहिए? हाँ खड़े होकर पूछो, कौन सा फल चाहिए? हाँ नमस्तु महाराज श्री, हम ले महिलाएं जो दस लक्षण व्रत करते हैं उसमें धूप दशमी का जो व्रत करते हैं धूप खेते हैं वो उसका रीजन क्या है? अच्छा, धूप दशमी का व्रत करते हो धूप खेते हो, करना चाहिए कि नहीं? हाँ वो तो करना चाहिए, बहुत अच्छा है। कहना जो सब, हाँ वो भावना तो वही है अष्टकर्म विध्वंस, उसमें कथा भी जुड़ी है, सुगंध दशमी की कथा होती है, वो कथा पढ़ लेना। पर जितने भी व्रत हैं, जितने भी कथा हैं, जितने भी नियम हैं, सबका इंटेंशन, सबका उद्देश्य जो है क्या है? आत्मा को पाना, कर्मों से रहित होना, तदगुण वंदे तदगुण लब्धये। वंदे हे प्रभु, मैं वंदना कर रहा हूँ, अर्चना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। क्यों? जो बच्चे लोग सीखते हैं ना, पढ़ते हैं ना पाठशाला में, हे स्वामी निच्चिकालम अंचेमी, बोलो पूजेमी वंदामी नमम स्वामी, फिर इसके बाद क्या बोलते हो? दुख खाओ कम्मक खाओ बोही लाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति, अर्थात कर्मों का क्षय। तो कम्मक खाओ मतलब कर्मों का क्षय हो, विधान किस लिए? कर्मों के क्षय के लिए, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति की प्राप्ति के लिए, बोधि के लाभ के लिए, सुगति में गमन के लिए, समाही पूर्वक समाधि पूर्वक मरण के लिए, ये इसलिए किए जाते हैं अथवा भगवान के गुणों को पाने के लिए। ये भाव किसी को नहीं आता। यदि चढ़ाते समय ये भाव नहीं आ रहा, नमस्कार करते समय ये भाव नहीं आ रहा, तो समझना है ना, तो हमारा नमस्कार सही है अभी नहीं, पूजन सही है। शब्दों में भले ही शब्दों में आ रहा है वो बात अलग है, लेकिन हृदय में भाव नहीं आ रहा है, और अधिकांश लोगों का नहीं आता। वंदे तद्गुण लब्ध, बोलते हुए भी नहीं आता भाव। दुख खाओ कम्मा खाओ बोई लाओ सुगई गमनम समाई मरणम, जैसे बच्चे लोग रट लेते हैं ना पाठशाला के बच्चे, तो आप लोगों ने भी रट लिया है। शब्दों में आ रहा है लेकिन हृदय में नहीं आ रहा, और हृदय में नहीं आ रहा तो अभी हमारे ही वो भाव भासना नहीं हो रही, वो भाव पूजा है ही नहीं, भाव नमस्कार है ही नहीं, भाव दर्शन नहीं है, सब द्रव्य में चल रहा है, बाहर बाहर चल रहा है, भीतर से कुछ भी नहीं चल रहा। हाँ हाँ, तो उसी को तो खोजना है, उसी को तो देखना है कहाँ कहाँ तक फैले हैं, क्या क्या गलत करते हुए आ रहे हैं। माइक से बोलो आवाज नहीं। नमस्ते महाराज श्री, ये वाला व्रत सिर्फ शादीशुदा महिला ही क्यों करती है? शादीशुदा इसलिए करती हैं कि हमारा धर्म ध्यान अच्छे से होता रहे, निर्विकल्पता से होता रहे। पति के लिए नहीं, पति जीवित रहेंगे स्वस्थ रहेंगे तो हमारा निर्विकल्पता से धर्म होता रहेगा, भाव अच्छे लगे रहेंगे, इस दृष्टि को रख करके। अब वो दूसरा दृष्टिकोण हो जाएगा कि पति अच्छा रहे, पर पति को क्यों चाहते हैं? एक दृष्टि हो सकती है कि सुविधाएं मिले, इंद्रियों के विषय मिले, ऐशो आराम मिले, लेकिन मूल रूप से जो दृष्टि होती है वो यदि हम अच्छे से रहेंगे, पति जीवित रहेंगे तो निराकुलता बनी रहेगी, धर्म अच्छे से हो सकेगा, विकल्प नहीं पैदा होंगे, यह भाव रख करके किए जाते हैं, इस बात को रख करना। दूसरा दृष्टिकोण भी निकल सकता है, लेकिन हमें कौन सा दृष्टिकोण रख करके करना है कि हमारा धर्म ध्यान अच्छे से चलता रहे। हाँ हाँ, तो पूछो बोलो, हमने दूसरा टॉपिक दिया था उस विषय में हमें बोलना है। हाँ क्या करना? महाराज जी नमस्ते। हाँ जी बोलो। महाराज जी पूजा करने से केवल, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि इसमें दो भाव आते हैं। हाँ। एक तो जो पूर्व में हमारे किए हुए कर्म हैं, हाँ, वो नष्ट हो जाएं इसलिए हम पूजा करते हैं। हाँ। और दूसरा ये होता है कि हमको कुछ लालसा रहती है, हाँ, भगवान से या पूजा से, इसलिए हम पूजा करते हैं। दो भाव बस आते हैं। भक्तामर पढ़ा रहे हैं हम दोपहर को, भक्तामर पढ़ा आपने? जी ये विषय हम पढ़ा रहे हैं अभी दोपहर में, लालसा के लिए आ रहे हो, भोगों के लिए आ रहे हो, सिर्फ दो ही भाव बनते हैं बस, और कोई बनी दुकान है आपकी? जी बनिया हो
बनिया हो ना जी, तो कम से कम मंदिर में तो बनियागिरी मत करो। अब वो तो दिन भर 18 घंटे जो करते हैं वो तो मंदिर दिन भर करते हैं, वही मंदिर में भी करना है, हो जाती है। अच्छा हो जाती है, पूजा करते तो पूजा के बदले में आकांक्षा हो जाती है। नहीं आकांक्षा नहीं, वो भाव बन जाते हैं। हाँ तो वही तो बात है, तो बनियागिरी कितने संस्कार बन गए कि मंदिर में भी आकर के वही पूजा के बदले में वो मांग लिया। हा? या तो पूर्व कर्म जो हुए हैं हमसे वो उसको नष्ट करने के लिए। कल हमने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, बताई थी, सजदे में फिरदौस मिली है मुझे मंजूर नहीं, खुदा का बंदा हूं कोई मजदूर नहीं। सजदे में फिरदौस मिले यह मुझे मंजूर नहीं, खुदा का बंदा हूं कोई मजदूर नहीं। सजदे में अर्थात प्रभु की भक्ति पूजा में मुझे फिरदौस यानी स्वर्ग मिले, स्वर्ग का वैभव मिले, मुझे मंजूर नहीं है। मैं भगवान का बंदा यानी भक्त हूं, कोई मजदूर नहीं हूं कि पूजा की मजदूरी देकर के कुछ स्वर्गीय वैभव को आगे के भोग को मांग लूं। समझ रहे हो कि नहीं? सब मजदूर बन करके आकर के भगवान के पास गिड़गिड़ाते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो अपनी पूजा की मजदूरी दे करके उसके बदले में 500 रुपए लेकर के चले जाते हो और क्या, ये करके चले जा रहे हो। हाँ एक्सेप्शन तो होते हैं, अलग है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के भाव तो यही हो। वो बोलने में आता होता होता कुछ नहीं है, जिन गुण संपत्ति और किसी को चाहिए मोक्ष फल चाहिए। अच्छा मोक्ष किसको जाना है, हाथ खड़े करो, मोक्ष किसको चाहिए हाथ खड़े करो। वहां कुछ नहीं मिलेगा, न खाना ना पीना, न पति ना पत्नी, न टीवी ना बीवी, न कपड़े ना लत्ते, न घूमना भी नहीं है, ऐसा शरीर भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है आपकी, शरीर भी नहीं है, देख भी नहीं पाओगे, ना आंखें है ना कान है ना मुंह है ना नाक है, ऐसा है मोक्ष। किसको चाहिए, कुछ भी नहीं मिलेगा, न घर परिवार, न भोजन, न बीवी, कुछ भी नहीं, बात भी करने के लिए कोई मिलेगा बात भी नहीं करोगे, शांति से बैठना है। ऐसा करो एक दिन का मौन लेकर के बैठ जाओ, किसी से बात नहीं करेंगे, कितने लोग ले सकते हैं, देखेंगे भी नहीं किसी को, कुछ खाएंगे बोर हो जाओगे ना, बोर हो जाओगे तो फिर ऐसे मोक्ष जाके क्या करोगे जहाँ कुछ भी नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है मोक्ष में। बोलो कितने लोगों को जाना है ऐसे मोक्ष में, हम हाथ खड़े करना। मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामी ती स्वाहा, बोलते हो ना, कितने लोगों को जाना है ऐसे मोक्ष जहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको क्या अच्छा लगता है संसार में, किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को पीना है, किसी को घूमना है, किसी को टीवी है, किसी को मार्केटिंग करना, किसी को खेलना है, किसी को बातें करना है, लेकिन उस मोक्ष में कुछ भी नहीं है। अब बताओ किसको जाना है ऐसा मोक्ष, कितने लोग चाहते हैं, कुछ भी नहीं है, जो था वो भी छूट जाएगा, जो है वो भी नहीं मिलेगा, चाहिए क्या करोगे वहां जाकर के, बोर नहीं हो जाओगे, बोर नहीं हो जाओगे। हाँ अरे आत्मा तो है वहां पे, तो ऐसी आत्मा है जो सिर्फ जानेगी देखेगी उसके अलावा कुछ नहीं करेगी, बताओ ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाली आत्मा है, तो ऐसे मोक्ष में आके क्या करोगे, कभी विचार नहीं आता भगवान क्या करते हैं बैठे बैठे, विचार नहीं आता सिद्ध सलाह में बैठे हैं क्या करके आ रहे हैं वहां पे, इतने साल से बैठे अनंत काल हो गए, थोड़ा बहुत तो घूम के आ जाए संसार में, जैसे आप लोग बोर हो जाते हो तो मूवी चले जाते हो, हिल स्टेशन चले जाते हो, तो भगवान भी बोर नहीं हो जाते होंगे बैठे बैठे। हाँ ये सब सुना है आपने भी, मोक्ष किसी को चाहना नहीं, जाना नहीं, अंदर से सब बोल रहे हैं मुख से, अंदर से कोई नहीं मोक्ष चाहता, एक्सेप्शन दो चार को छोड़ करके। चाहते हो? अच्छा सही से बताओ आप चाहते हैं, हाँ आपसे पूछ रहे हैं। हाँ इन्हें हमारी मांग भी कितनी झूठी है, हाँ चाहते तो। हाँ अरे अभी तो हम चाहने की बात है, चलने की तो बात ही नहीं कर रहे, पथ पे तो हम चाहने की बात कर रहे हैं। कितने लोग अंतरंग से चाहते हैं मोक्ष जाना, अब लोगों को संदेह होने लगा, सब बात तो सही कर रहे हैं महाराज जी यार आखिर मोक्ष जाके हम करेंगे क्या, बात तो सही, आज तक तो हमने सोचा ही नहीं है,
बोलते तो है मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए मोक्ष फल, लेकिन हम करेंगे क्या मोक्ष जा करके? क्या सुनो ऐसी लग रहा है ना, बात तो सही है, ऐसे मोक्ष जाके क्या करना, बोर होना नहीं तो जाना है क्यों, जाएंगे तो छोड़ दो अभी, जाना क्यों ऐसे मोक्ष क्यों करेंगे हमें? नहीं तो क्या है वहां पर, शरीर भी नहीं है मन भी नहीं कुछ भी नहीं है, आत्मा अकेले है और बैठे रहेगी एक जगह, एक जगह बैठे रहेगी। अच्छा तो वहां मोक्ष में सुख है? अच्छा सुख ही सुख है। तो ऐसा करो चार दिन का मिलन लो, एक जगह हम बैठे रहेंगे कुछ नहीं करेंगे, चार दिन हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, बैठे रहेंगे। हाँ अभी तो व्यक्ति ने सोचा ही नहीं कि शरीर के बिना भी कुछ सुख होता है। अच्छा कितने लोगों की जीभ जो है दांतों में टच होती है, जब 32 दांत रहते हैं नहीं जाता, एक दांत टूटता है तो बार बार वहीं जाती है ना, यानी जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो उसे भान भी नहीं रहता है कि मेरे जीभ में मेरे मुख में दांतों हैं। जब सिर दर्द नहीं रहता है तब ध्यान जाता है सिर की ओर, कब जाता है जब सिर में दर्द होता तभी ध्यान जाता है, यानी जब बीमार बना रहता है तभी व्यक्ति का ध्यान उस ओर जाता है, और जब स्वस्थ में रहता है तो उसको याद भी नहीं रहता है कि मेरे दांत हैं कि नहीं है, मेरे सिर दर्द है कि, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी स्वस्थ में वो इतना निराकुल रहता है, इतना आनंद में रहता है, कहीं उसका ध्यान ही नहीं भटकता। तो मोक्ष में कोई आकुलता ही नहीं है। तो जब पूर्ण स्वस्थ अवस्था होती है, जब स्वस्थ अवस्था में हमारा ध्यान ना जीभ दांत की ओर जाता है, कब जाता है, ये तो दर्द होना तभी जाती है जीभ, अरे बहुत दर्द है दांत में, अथवा दांत टूट जाए तो बार बार जीव वहां टच करती है। यानी बीमारी की अवस्था का ही व्यक्ति को भान सा होता है, स्वस्थ और आनंद अवस्था में वो इतना निर्विकल्प हो जाता है कि उसे कोई लेना देना ही नहीं, चिंता ही नहीं। तो मोक्ष में क्या होता है, निर्विकल्पता है, वहां कोई विकल्प का साधन ही नहीं। संसार में तो विकल्प ही विकल्प भरे हुए हैं। तो सोचा करो आप क्या बोल रहे हो। चलो आगे विषय बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सही रखते हैं, बात अपनी शुरुआत करते हैं, छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं। हाँ सबको आठ द्रव्य मिला करके अष्टकर्म क्या अनर्ग पद प्राप्त है ना। अनर्ग पद प्राप्त का अर्थ क्या होता है? अर्ग का अर्थ होता है मूल्य और अनर्ग का अर्थ होता है अमूल्य, यानी जिसकी कोई कीमत ही नहीं, अमूल्य हो जाता है, बियॉन्ड कंपेरिजन, जिसकी कोई कीमत नहीं, बेशकीमती जिसे बोलते हैं ना, अमूल्य, सबसे जो कीमती चीज होती है उसको बोलते बहुत अमूल्य, यानी वही मोक्ष फल है। अनर्घ का मतलब होता है अमूल्य पद, जिसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं आंक सकता है, इतना वैल्यूएबल है, तो वही मोक्ष पद है। अब हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, शुरुआत करो उससे पूर्व एक घटना से शुरुआत करते हैं। दो व्यक्ति गुरुकुल से पढ़ करके अपने रथ से आज राजा राज्य भवन में आ रहे थे और 18 साल के दो युवक थे, रथ में बैठे हुए और पूरा राज दरबार उनकी प्रतीक्षा कर रहा। किस बात के लिए? कि दोनों राजकुमार आज गुरुकुल से पढ़ करके लौट रहे हैं। जैसे ही नगर की सीमा में प्रवेश करते हैं और देखते क्या है, पूरी तरफ खुशी का माहौल है, आनंद का माहौल है, बहुत बड़े बड़े भवन हैं, महल हैं, और महल की एक ऊंची टोक में खिड़की से एक कन्या झांक रही है, बहुत सुंदर कन्या, और दृष्टि दोनों की एक साथ उस कन्या पर पड़ जाती है। जैसी दृष्टि पड़ती है तो जो बड़ा भाई था वो सोचता है कि इस कन्या से तो अब मैं विवाह करूंगा, लेकिन उस सेम टाइम छोटे वाला राजकुमार वो भी उसी का भाई था, उसकी भी दृष्टि उसी कन्या पर पड़ती है, और जैसी दृष्टि पड़ती है तो उसके मन में क्या भाव आता है, इससे तो मैं ही विवाह करूंगा। अब दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं, दोनों समझ जाते हैं कि ये भी उसे चाह रहा है, मैं भी उसे चाह रहा हूं। अब दोनों राजकुमार थे, क्षत्रिय थे, बात तो समझ जाते हैं। तो वो कहता है कि मैंने इसे देखा है, मैं इससे विवाह करूंगा। तो दूसरा कहता है मैंने भी इसे देखा, मैं ही इससे,
और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तलवार निकल जाती है। इतने में रथ राज दरबार में आकर के रुक जाता है, है ना। फिर क्या होता है, वहाँ सामने से राजा है, रानी है, मंत्री है, हाँ खड़ी है स्वागत में। राजा रानी इंतजार कर रहे हैं कि आज हमारे दोनों पुत्र गुरुकुल से लौट रहे हैं, और अब दोनों भाई आपस में एक दूसरे की जान के लिए तैयार हो गए हैं। जैसे ही मंत्री को पता चलता है, राजा रानी को पता चलता है ये क्या हुआ, रानी आकर के कहती है, उस कन्या को धीरे से लाती है सामने, बोले देखो ये तुम्हारी बहन तुम्हारे जाने के बाद पैदा हुई थी। जैसे ही दोनों भाइयों को पता चलता है तो हमारी बहन है, अब क्या हो गया, हाँ उसके बाद क्या हुआ वो प्रसंग हम नहीं लेना चाहते हैं। हम उस प्रसंग को लेना चाहते हैं क्योंकि एक कन्या को देख करके जो उनकी सगी बहन थी, किसकी कथा है ये पता है, कुलभूषण और देशभूषण की कथा है। दोनों राजकुमार थे, दोनों सगे भाई थे, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, और उसके बाद उनकी बहन का जन्म होता है, अथवा छोटी थी बाद में पता चलता है। तो एक कन्या को देख करके दोनों के भाव खराब हो सकते हैं, और सगी बहन को देख करके भाव खराब हो गए, वो भी किसके किसके, तद्भव मोक्ष गामी जीव के, उसी भाव से मोक्ष जाना था दोनों को। कोई पापी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई व्यसनी की बात नहीं कर रहे हैं, धार्मिक व्यक्ति की जो शिक्षा लेकर के आए हैं, सारी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करके आए हैं, चरित्र की शिक्षा को ग्रहण करके आए हैं, और सगी बहन को देख करके भाव खराब हो जाते हैं। तो एक बात पूछना है यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पर हैं ऐसे जो किसी कन्या को देख करके भाव खराब नहीं होते, पुरुष वर्ग सोच रहे। अच्छा यहाँ समाज में महिला संगीत होता है, उसका नाम क्या है डॉक्टर साहब, क्या नाम है उसका, लेडीज संगीत। अच्छा उसमें सारी लेडीज रहती है, लेडीज खड़ी होकर के बताएंगे हमें, माइक दो उनको। आज विषय हमें पूछना है, लेडी संगीत में सिर्फ लेडियां लेडीज ही रहती हैं, सारी महिलाएं रहती हैं, बताना थोड़ा सा, बताओ तो सही, हम जानना चाहते हैं पहले यहाँ कल्चर हम समझ लें। नमस्ते महाराज, हाँ जी क्या होता है महिला संगीत में। महाराज जी नाम तो लेडी संगीत रहता है, लेकिन लेडीज के अलावा पूरी फैमिली मेंबर्स इंक्लूडेड रहते हैं। फैमिली मेंबर्स ही रहते हैं कि बाहर वाले भी, सब रिलेटिव भी रहते हैं, और डिस्टेंस रिलेटिव भी रहते होंगे, डिस्टेंस रिलेटिव भी रहते हैं, और समाज के फ्रेंड्स भी रहते होंगे। हाँ जी। अच्छा क्या होता है लेडी संगीत में, नहीं चूंकि आप लेडी हैं तो अच्छे से बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छे से, कभी अटेंड किया आपने? जी जी। क्या होता उसमें, डांस करते हैं सब? सब डांस करते हैं, कौन लेडीज डांस करते हैं कि जेंट्स भी डांस करते हैं? नहीं अब तो कपल का ट्रेंड है। अच्छा कपल का, तो फिर इसका नाम क्या, कपल संगीत हो गया है क्या? नहीं नाम तो लेडी संगीत ही रहता है, लेकिन कपल्स, कपल्स को रखा है, और ग्रुप्स। अच्छा अच्छा अच्छा, जितने लेडीज को डांस करते हुए देखते हैं सभी लोग, जो जेंट्स रहते हैं सबके भाव कैसे रहते हैं? अब जेंट्स से पूछ रहे हैं, खड़े करके बताना, क्या वैराग्य के भाव आते हैं? हाँ हाँ डॉक्टर साहब आप बता दो, अरे बताओ बताओ बताओ, हाँ डॉक्टर साहब खोल दे विषय, उन पीछे दे दो दे। हाँ देखो हमने उस घटना को इस कारण बताया था, वो कुलभूषण देशभूषण की घटना को। हाँ नहीं रहते एक से भाव, कौन से भाव रहते, बिगड़ते हुए भाव भी आते हैं। अच्छा एक सगी बहन को देख कर के भाव कितने गिर सकते हैं, वो किसके भाव, तद्भव मोक्ष गामी जीव के। तो जो लेडी संगीत में जो सारी महिलाएं नृत्य करती हैं, और जो पुरुष वर्ग देखता है तो क्या देखता है, किस भाव से देखता है, हम ये सिर्फ जानना चाहते हैं।
कैसे भाव रहते होंगे डॉक्टर साहब? अच्छे तो नहीं रहते हो? अच्छे तो नहीं रहते, ये तो पक्का है। तो कैसे या रहते? तो या तो बुराई करते हुए भाव रहते हैं या वासना युक्त भाव। वासना है। अच्छा, तो ये जो लेडीज संगीत में लेडीज डांस करती हैं, किसके लिए डांस करती हैं? अब हम इनसे पूछ लेते हैं, जो महिलाएं डांस करती हैं किन के लिए डांस करते हैं आप लोग? हाँ, कौन हमें बताएगा? देखो खुले, हम एकदम स्पष्ट खुला खुले मन से पूछ रहे हैं आपसे, किसके लिए करते हैं डांस, कोई बताएगा हमें? हाँ, एक दादी माँ को तो एक माइक, वो सही सही खोलेंगी, सारी पोल खोलेंगी वो। हाँ सारी पोल खोलेंगी हमें। हाँ बोलो बोलो, खड़े होकर के बोलो, अच्छे से बोलो। हाँ सारी पोल खोल देना आप तो, जो है। हाँ गालियाँ में मिलेंगी महाराज। अरे हाँ तो नहीं मिलेगी, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, हम नहीं मिलेगी गालियाँ में, नहीं मिलेगी। हाँ बता दो आप तो, बोल दो। व्रतों में तो अधिकतर होता है महाराज जी। हेलो। हाँ हेलो हेलो। और ये शादियों विवाह में पहले ही से निमंत्रण और वो पत्र में लिखा जाता, आज लेडीज संगीत। अच्छा, और क्या होता है लेडीज? और उसमें होता है क्या, होता क्या है लेडीज संगीत में? ये नाच होता है और डंडी बाजी वो। अच्छा डंडी बाजी। एक पिक्चर देखी है, एक पिक्चर आई थी शोले पिक्चर, उसमें एक डायलॉग था। क्या डायलॉग था सोनू, बताओ खड़े होकर के। हाँ क्या डायलॉग था, खड़े होकर माइक से बोलना। हाँ हाँ कौन सा डायलॉग था? हाँ हाँ वही वही खड़े होकर के बोलना थोड़ा। हाँ क्या, कौन सा डायलॉग? बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। इसका क्या अर्थ हुआ, क्यों अर्थ हुआ? अच्छा आप लोगों के घर की बहू बेटियां किनके सामने नाच रही हैं? कुत्तों। हाँ क्या है आखिर दृष्टि में? नहीं आप कह रहे हैं कि वो तो हमारे घर के रिश्तेदार है ना, भाई है, रिश्तेदार है, डिस्टेंट रिलेटिव्स है, उनके फ्रेंड्स हैं। अरे जब कुलभूषण देशभूषण की दृष्टि खराब हो सकती है तो शायद उनसे भी महान आत्माएं होंगी यहाँ पंचम काल की कटनी की और सारे लोगों की, उनसे भी बड़ी आत्मा होंगी यहाँ की, नहीं हो? महान आत्मा होंगी ना, सब अखंड अघोर ब्रह्मचारी व्रत के धारी होंगे जितने पुरुष वर्ग आते होंगे। चक्रेश घोर ब्रह्मचारी व्रत के धारी होते होंगे, शील व्रत के धारी आते होंगे, ऐसी है। हाँ खड़े होकर के बोलो माई, उनको तो दे दो कॉर्डलेस, उनको दे दो हाथ में, उनको बोलने दे दो। हाँ हेलो महाराज जी, पहले जमाने में नहीं चलता था, पहले जमाने में नहीं चलता था नहीं। हाँ और ये तो अभी अभी चलन चलने लगा, ये तो बस बिल्कुल शादी हुई। हाँ और पहले नंबर लेडीज संगीत, पहले नंबर लेडीज संगीत। अच्छा पहले नंबर लेडीज संगीत, बाद में भाव पड़ी। अच्छा अच्छा। और जब व्रत आते हैं तो अधिकतर मेरी एक बार व्रतों में लड़ाई भी हो गई थी बंगला। अच्छा देख लो, कल एक जन तुम ही कह रहे थे ना, पहले के जमाने में नाचने वाले बाहर से आते थे, ऐसी है ना, और भोजन घर वाले और रिश्तेदार और समाज के लोग बनाते थे। अब क्या हो गया, भोजन बनाने वाले बाहर से आते हैं और नाचने वाले घर के लोग हो गए। क्या प्रगति की है जैन समाज ने, पूरी समाज ने, है ना, बहुत प्रोग्रेस की है, गजब की प्रोग्रेस की है। पहले नाचने वाले बाहर से और अब नाचने वाले घर के ही लोग, जरा सी लज्जा नहीं आती आप लोगों को? जरा सा भाव पैदा नहीं होता, हम क्या कार्य कर रहे हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं आप लोग? अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य होता होगा। कैसा कार्य होता है, किसके लिए नाचा जाता है, किसके लिए डांस किया जाता है, किसको दिखाने के लिए, किसको अट्रैक्ट करने के लिए? क्या शालीनता के भाव रहते हैं वहां पे? एक रियल घटना बता रहे हैं, लेडी संगीत का कार्यक्रम, जगह का नाम नहीं बताएंगे, और उसकी प्रिपरेशन कब से शुरू हो जाती, तैयारी एक महीने पहले से, और बाकायदा कोरियोग्राफर आता है, कोरियोग्राफर आता है, डांस की स्टेप सिखाता है। हाँ और घर की बहू बेटियां जो हैं डांस की स्टेप सीखती हैं, और वो कोरियोग्राफर फिर आपके बहू बेटी की फिर यहाँ हाथ रखेगा, फिर कमर में हाथ रखेगा, बोले ऐसे स्टेप करना, ऐसे कदम बढ़ाना है ना। तो आपको लगता नहीं कि कोरियोग्राफर के हाथ में आप अपने घर के बहू बेटी को सौंप देते हो, उसकी कैसी दृष्टि रहती होगी, वो कौन सी कास्ट का है, उसके कौन से भाव रहते हैं? एक कोरियोग्राफर आया सिखाने के लिए, एक महीने सिखाया और घर की बेटी को लेकर चला गया, शादी कर ली, ये हो गया। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। क्या चाहते हो आप लोग,
कहां तो शील व्रत की बात की जा रही है, कहां तो उत्कृष्ट धर्म की बात की जा रही है, कहां तो ऐसे भाव रखना चाहिए। और आप लोगों को थोड़ा सा भी विचार नहीं आता, घर के बड़े बुजुर्ग, आपके घर की बहुएं, आपके घर की बेटियां, आपकी धर्म पत्नियां दूसरों के आगे नृत्य करती हैं, आपको अच्छा लगता है? कितने लोगों को अच्छा लगता है उनकी बहू बेटी दूसरों के आगे नाचे? इन लोगों को अच्छा लगता है दूसरों के आगे नाचने में? आप लोगों को अच्छा लगता है दूसरों के? आपको जरा सी लाज नहीं आती कि हम दूसरों के आगे नृत्य कर रहे हैं? वो कौन सी दृष्टि से देखेगा, कौन से भाव इसके भीतर पैदा होंगे? थोड़ा सा भी भाव पैदा नहीं होता आप लोगों के मन में? क्या चाहते हो आप लोग? कैसी का नाम संस्कृति बची है? महिला संगीत नाम था तो उसमें से महिला हो ना। हम खुशी के लिए मना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आपके घर में बहुत खुशी है, नृत्य करो, अच्छे से करो। पहले के जमाने में जो महिला संगीत था वो महिलाएं आती थी, भजन गाती थी, वो भावना व्यक्त करती थी, वहां पे लेडीज की में जेंट्स कोई अलाउ ही नहीं होता था। ये तो आप कर लो, ये कपल डांस कर लो। क्या कहा आपने? कपल डांस शुरू हो गया, आप तो क्या होने? हाँ बन्ना बन्नी, हाँ तो हाँ अब सब गड़बड़ हो गया। कपल डांस, अच्छा ठीक है, डांडिया जब होता है ना वह कपल डांस चलता है। अच्छा जो दूसरा कपल है तीसरे को देख करके क्या बहन की दृष्टि से देखता है वह? दूसरा जो दूसरा कोई जेंट्स है, कैसे कैसे केसेस सुनने में आ रहे हैं और आप खुले हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हो, लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, इसमें किसका अधिक दोष है? पुरुष वर्गों का दोष है कि अपने घर की बहू बेटी को परमिशन दे रहे हो? क्या यही सीख करके रखा है आप लोगों ने कि अपनी घर की बहू बेटियों को ऐसे नृत्य कराओ खुले आम सबके सामने? और यहाँ की बहू बेटियां भी यही कर रही हैं, यही सीखा है आप लोगों ने, यही धर्म है? बताओ क्या शिक्षा दोगे? फिर आपकी बेटी जो है स्कूल में जा रही, कॉलेज में किसी लड़के के साथ भाग जाएगी, फिर शिकायत मत करना। तो शिकायत करते आते हैं, वो बेटी उससे किसके साथ चले गई, ऐसा हो रहा है, उसको संभालो महाराज जी, आशीर्वाद दे दो, उसको नियम दे दो। बीजारोपण तो आप ही कर रहे हो आज के जमाने में। क्या चाहते हैं यहाँ के लोग, समाज के लोग? बंद होना चाहिए महिला संगीत? हम नहीं चाहते बिल्कुल बंद होना चाहिए, हम ये चाहते हैं महिला संगीत में सिवाय महिलाएं के कोई नहीं हो। ये नियम फॉलो करो ना आप, ये नियम पारित करो कि महिला संगीत नाम है तो उसमें सिवाय महिलाएं के कोई भी जेंट्स की एंट्री नहीं होगी, चाहे वो घर का पिता भी क्यों ना हो, भाई भी क्यों ना हो, बेटा भी क्यों ना हो, मामा भी क्यों ना हो, ताऊ भी क्यों ना हो। ऐसा नियम पारित करो ना। और आप लोग नियम ले लो कि जहां जेंट्स वर होंगे हम वहां नृत्य करेंगे ही नहीं। या तो अंदर से भावना होती होगी कि हम दूसरों के आगे नाचें, दूसरों को अट्रैक्ट करें महिलाओं की, या तो ये होगा। दो ही चीज हो सकती है, या तो महिलाओं की भावना होगी अथवा पुरुषों की भावना होगी कि इस बहाने देखने मिल जाता है, क्योंकि हम सभ्य समाज के लोग हम दूसरी जगह जा तो नहीं सकते नृत्य देखने। आप लोग सभ्य समाज के जो लोग हैं ना, कहीं ऐसी वैसी जगह तो जा सकते नहीं हो? जा सकते हो? नहीं, लोग उंगली उठाएंगे, बोले क्या इसी बहाने सही, या तो इन लोगों की भावना होगी इस बहाने से वो ये काम कर रहे होंगे, अथवा महिलाओं की भावना होगी उनके अंदर, उनके अंदर ऐसे भाव उठते होंगे चलो अपन दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, धर्म के नाम पे, घर के नाम पे सब हो जाएगा। क्या मचा करके रखा है आजकल? एक कंसेप्ट और चलने लगा, प्री वेडिंग शूटिंग। आपकी बेटी शादी के पहले ही सब कुछ करके आ जाती है, जो कार्य विवाह के बाद होना चाहिए वो विवाह के सब पहले हो जाता है, 15 दिन के लिए जाती है शूटिंग कराने के नाम पे, और घर के बुजुर्ग, पिता माता दादा दादी सास ससुर वहाँ वरमाला चल रहे हैं, फेरे चल रहे हैं, और बड़ी स्क्रीन में सब देख रहे, सारी दुनिया देख रही है। क्या देख रही है भाई? हाँ हाँ, जिस रास्ते से एंट्री हो रही है उसकी बड़ी बड़ी स्क्रीन में फोटो लगाई जाती, क्या देख रही है वो? हमने ऐसे केसेस भी देखे, प्री वेड शूटिंग हो गया और उसके बाद उनका रिश्ता टूट गया। अब क्या करोगे? प्री वेड शूटिंग होने के बाद रिश्ता टूट गया? हमें ये समझ में नहीं आता क्यों दुनिया वालों को दिखाने की आदत पड़ गई है आप लोगों को। किसे आप दिखाना चाहते हो और क्या दिखाना चाहते हो? कभी उनकी क्लोथिंग देखिए, वस्त्र देखे, प्री वेड शूटिंग में जो लड़की होती है उसके वस्त्र कैसे होते हैं? घर के बुजुर्ग देख सकते हैं उस दृश्य को, देख सकते हैं बैठ करके सबके सामने इतनी बड़ी स्क्रीन में? क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि घर की वही बहू है, घर की बहू बनने वाली है, अथवा स्वयं के घर की पोती है वो,
तो आप अकेले बैठकर देख सकते हो? नहीं देख सकते। यानी जिस दृश्य को आप स्वयं नहीं देख सकते, उस दृश्य को आप सारी दुनिया को क्यों दिखाने के लिए तैयार हो जाते हो? बस सोसाइटी के नाम पर, कल्चर के नाम पर लोग क्या समझेंगे? बोले नया फैशन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो हमें करवाना जरूरी है प्री वेड शूटिंग। यही है ना कल्चर के नाम पे। कहां शालीनता चली गई? क्या हो रहा है समाज में आज के जमाने में? क्या कर रहे हैं आप लोग? तो महिला वर्ग क्या नियम लेना चाहती है? कि महिलाएं नियम लेते हैं कि हम महिला संगीत में, उस महिला संगीत में अटेंड नहीं करेंगे जिसमें पुरुष वर्ग शामिल हो। ले सकती है? कितनी महिला ले सकती है? नियम हाथ खड़े करो, हाथ खड़े कर लो। आप तो जाना ही नहीं उस महिला संगीत में जहां जेंट्स हो, हम जाएंगे नहीं। महिलाएं भी हाथ नहीं उठा रही, यानी उनको सुर है, अच्छा लग रहा नाचने में। अब हमें ही कह दें, एक तरफ ये डायलॉग बोल रहा था इनके सामने नहीं नाचना, क्या बोल रहे थे सोनू तुम? हाँ क्या बोल रहे थे तुम? इनके सामने नहीं नाचना जो, हाँ पिक्चर में कहा था। तो नियम से जो दृष्टि जो होती है बिल्कुल उसी की दृष्टि हो जाती है, पशु की भांति दृष्टि हो जाती है, वो इंसान की दृष्टि नहीं रहती है, मानव की दृष्टि नहीं रहती है, गृत दृष्टि हो जाती है, गलत दृष्टि हो जाती है। तो कहाँ वो कुलभूषण देशभूषण जो साक्षात अपनी बहन को देख करके अपने परिणाम नहीं रोक सकते? तो उन्हें तो कुलभूषण देशभूषण तो वैराग्य की दीक्षा ले ली। तो ऐसा करो फिर आप लोग भी महिला संगीत के बाद दीक्षा ले लेना है, तो फिर जितने पुरुष वर्ग है सब पिछली परमिंडल हाथ में ले लेना। बोला नहीं अब हम जब वैराग्य हो गया, मैंने कैसे खराब परिणाम कर लिया अपनी घर की बहू को देख करके, अपने घर की बेटी को देख करके, अपनी ही साली को देख करके, अपनी भाभी को देख करके। ऐसा कर लो तो फिर महिला संगीत में अटेंड करना, उसके बाद सीधा पिछली परमिंडल हाथ लेना। तैयार हो पुरुष वर्ग दीक्षा लेने के लिए? नहीं हो तैयार? क्या करना है? यहाँ की समाज नियम पारित कर सकती है? कौन सा नियम? महिलाएं संगीत में सिर्फ महिलाएं रहेंगे। अब नियम तो पारित हो जाएगा लेकिन समाज के जो बड़े लोग हैं पहले वो ये फॉलो करें तो होगा। छोटे आदमी तो करते नहीं, बड़े आदमी सबसे पहले करते हैं क्योंकि स्टेटस की बात है ना, नहीं तो लोग हमें छोटा मानेंगे। अरे इससे छोटा बड़ापन नहीं होता है, गुणों से होता है, क्वालिटी से बड़ापन आता है, पैसे से नहीं होता है। अपनी संस्कृति को बचाना, धर्म को बचाना है, शील व्रत को बचाना है। किसी की दृष्टि अच्छी नहीं रहती है, इस बात को मान करके चलना है। आगम में तो यह आया, एक उम्र के बाद बेटा भी माँ के साथ न रहे, बेटा माँ ना रहे। जब बेटा 18 साल का हो जाता है ना रहे, कहा है आगम में? कहा है? यानी माँ और बेटे की भी दृष्टि खराब हो सकती है, तो फिर किसी की भी दृष्टि खराब हो सकती है। इस बात को समझो, आप कोई दूध के धुले नहीं हो, अघोर ब्रह्मचारी व्रत के धारी नहीं हो कोई भी, कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेठ सुदर्शन की भांति नहीं हो कि सेठ सुदर्शन के ऊपर उपसर्ग होते रहा लेकिन वो अपने ध्यान में लीन रहे, चाहे वो वेश्या ने उपसर्ग किया हो, चाहे रानी ने उपसर्ग किया हो, चाहे किसी ने किया हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तो सब गृद दृष्टि लगा करके देखने वाले हैं, और ये लोग भी जो महिला वर्ग है ना चाहती है, हमें तो ऐसा लगता है, बिल्कुल कड़वी बात बोल रहे हैं, क्योंकि आज की महिला वर्ग भी चाहती है और आज का पुरुष वर्ग तो फ्री फोकट में एंजॉयमेंट हो रहा है उनका, और क्या चल रहा है, कड़वा बोल रहे हैं हम। क्या चाहते हैं पुरुष वर्ग? यहाँ का नियम बनाना चाहते हो क्या? नियम महिला संगीत या तो हो नहीं, यदि हो तो उसमें सिर्फ महिलाओं के अलावा कोई नहीं हो। और जितना नाचने का शौक है जेंट्स को तो पुरुष संगीत अलग से रखो ना, आप अपना पुरुष संगीत रखो, इसमें पुरुष ही रहेंगे। खूब नाचने का शौक है तो आपको खूब नाचो ना, मना थोड़ी किया हमने, खूब बाजे बुलाओ नाचो, लेकिन उसमें जेंट्स ही रहेंगे, उसमें महिलाओं की एंट्री नहीं। हाँ और तो और, जो रोड में जब बारात निकलती घर की बहू बेटी रोड में नाचते हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा खुशी है तो अपने परिसर में आकर के नृत्य करो। अब जो रोड में आप नृत्य करोगे तो कौन सी कास्ट का व्यक्ति कैसे वीडियो बना लेता है मोबाइल से और कहाँ सेंड कर देता है और फिर ब्लैकमेल करता है, कुछ नहीं होता। और ये प्री वेड शूटिंग है, अभी थोड़ा बैठ जाओ, अभी प्री वेड शूटिंग की जो हो रही बात है, अभी कितनी महिला पुरुष वर्ग नियम ले सकते हैं, हम प्री वेड शूटिंग नहीं कराएंगे अपनी बच्ची के लिए। बाप को महाराज जी वो बेटा चाहेगा तो, जिससे दामाद चाहेगा तो, आप बोल दो ना नहीं कराना है। बोले आप शादी के बाद जो खूब घुमाने ले जाओ, जहां ले जाना ले जाओ ना। यानी कि जो कार्य विवाह के पश्चात होना चाहिए वो कार्य सब कुछ पहले हो जाता है, और आप लोगों को भी बड़ा आनंद आता है, लड़कों को भी बड़ा आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? हम लोग ने ऐसा ही अटेंड किया, दोस्तों के साथ ही देखा, सबकी प्री वेड शूटिंग हुई यहाँ पे नहीं हुई। अब कल्चर आने लगा है सब जगह से, मेट्रो सिटीज से,
तो यहाँ पे भी आ जाए कल्चर प्री वेड शूटिंग का, देखेंगे तो किसी फिल्म स्टार्स को देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, तो आपको भी लगता है कि प्री वेड शूटिंग होना चाहिए पूरी बड़ी स्क्रीन में। वो लड़की कैसे ड्रेसिंग सेंस रहता है उसको, कैसे ड्रेस पहन करके आते हैं, पूरे फिल्म कंसेप्ट चले, फिल्मी स्टाइल में करते शूटिंग, क्या चाहते हो आप लोग, क्या है धर्म। अच्छा यहाँ कितनी शादी में लिकर सर्व होता है, अल्कोहल बियर, अरे नहीं ऑफिशियली अनऑफिशियली, ऑफिशियली अनऑफिशियली, पीछे से, पीछे के बैकडोर एंट्री से एक अलग रूम बना रहता है। हाँ हाँ, पार्टी स्टार्ट हो गई ना, बैचलर पार्टी स्टार्ट हो गई, ये बता लेंगे। और हो आप शादी के फंक्शन भी करते हैं तो फाइव स्टार रेस्टोरेंट में जो नॉनवेज सब बचता है ना, बहुत सारे लोग तो उस रेस्टोरेंट में, उस होटल में करते हैं ऑर्गेनाइज जहाँ वेज नॉनवेज कॉमन किचन होता है वहाँ पे। कहाँ हम बड़े बड़े धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने, पूजा में क्या भाव रखना चाहिए, कर्म क्षय की भावना है, मोक्ष फल की प्राप्ति की भावना, भगवान जैसे बनने की भावना है। अरे भगवान तो छोड़ दो, आप तो इंसान भी नहीं बन पा रहे हो, अभी इंसान बन पा रहे हो, सही श्रावक ही नहीं बन पा रहे हो, और हमारी बात चल रही है पूजा में भगवान बनने की बात, मोक्ष फल प्राप्ति की बात, अष्टकर्म विध्वंसनाएं, ऐसा लगता है बात ही बातों तक सब सीमित है। आप लोग भी सुनकर के यहाँ से चले जाते हैं, हाँ महाराज जी ने बहुत अच्छा बोला, प्रवचन बहुत अच्छा हुआ, फिर क्या चलो महिला संगीत में चलेंगे अपन लोग। कुछ लोगों का तो क्रेज रहता है महिला संगीत कहाँ पे है, चलो बढ़िया, और वो इतना लेविश हो गया है उसमें, फिर डिनर रहेगा उसमें सब कुछ रहेगा, एक पार्टी महिला संगीत की और अलग, एक रिसेप्शन महिला संगीत का और, ऐसी हो गया ना, क्या है ये। आपको शौक ही है खर्ची करने का, तो घर में यदि शादी है तो जितना खर्चा हो रहा है तो उतना ही हम दान देंगे, ये नहीं हम लोग, यदि 50 लाख खर्च हो रहा है तो उसका कुछ परसेंट 20% हम दान देंगे, गौशाला में दान देंगे, जिनाले में दान देंगे, कोई संत निवास में दान देंगे, जितना खर्च करो, जितना महिला संगीत में खर्चा होता है उसका फंड जो है किसी अच्छे कार्य में देंगे, ऐसा नियम बनाओ, नहीं बना सकते ऐसा नियम, होना तो ये चाहिए नियम, क्या नियम बना करके चल रहे हो, तो क्या होगा इस बात का, कुछ असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा, कहाँ कमेटी है यहाँ की, तो भगवान भरोसे है कमेटी भी, कहाँ यहाँ है कमेटी मेंबर, कोई नहीं है, हाँ नीचे बैठ के सुन रहे हैं, पीछे बैठ रहे हैं, तो भाई आगे बुला लो उनको थोड़ा सा, हाँ 16 पहने, सोच लो विचार लो, हाँ अध्यक्ष महोदय कुछ करना है कि नहीं, नियम बनाना है, लेडीज संगीत में सिवाय लेडीज के कोई नहीं रहेगा, लेडीज संगीत में सिवाय लेडी के कोई नहीं रहेगा ये, और प्री वेडिंग शूटिंग आदि जो होती है बंद होता है जो उत्तम है। अध्यक्ष महोदय भी क्या करे, बोले हमारे जी मीटिंग बुलाना पड़ेगा, मैं अकेले थोड़ी बता सकता हूँ, उनकी मजबूरी हम बता रहे हैं ना, हो गई मीटिंग और क्या, गुरु के सामने हो गई मीटिंग, हाँ पूरे समाज के लोग बैठे तो आप तो नियम पारित करो, महिला संगीत होगा ही नहीं, नियम पारित कर दो, और आप लोग नियम ले लो जहाँ महिला संगीत होगा हम अटेंड ही नहीं करेंगे, सीधा नियम ले लो ना, आप सब महिला वर्ग नियम ले लो जहाँ महिला संगीत होगा हम जाएंगे ही नहीं, पुरुष वर्ग भी हम जाएंगे नहीं, अपने आप ही सब खारिज हो जाएगा, सीधी सी बात, आप तो नियम ले लो, कितनी महिला नियम महिला संगीत अटेंड नहीं करेंगे, 70% तो अभी भी हाथ नहीं उठा रही है, पुरुष वर्ग में कितने लोग हैं महिला संगीत अटेंड नहीं करेंगे, नियम बना लो, समय हो रहा है, हो गया समय तो पूरा हो जाएगा नियम, अरे प्री वेडिंग शूटिंग का, हाँ बहिष्कार करो प्री वेडिंग शूटिंग का, चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल अपना, हाँ ये गलत बात है, आप तो नियम लो ना करोगे और ना आप शामिल होना है, शुरुआत तो करो आप लोग, हाँ माइक से बोलो, खड़े होके बोलो राज, इसके पहले भी बहुत नियम बने, बहुत नियम बनाए गए हैं और सारे जो बनाने वाले थे उन्हीं के घरों से टूटे गए हैं, तोड़े गए हैं और आज भी चल रहे हैं, और एक पहले तो थोड़ी दबी जवान चलते थे, आज अति उत्साह से हो रहे हैं महाराज और सारे लोग शामिल हो रहे हैं, जितने गलत बात है तो आप तो नियम लो, आप शामिल नहीं होंगे, सीधी बात करो, कह रहे हैं हाथ उठा रहे हैं उठवा रहे हैं सब आपके सामने चल रहा है महाराज, अभी आप आहारों में जाओ घर में चर्चा होगी, ऐसा नहीं ऐसा कर लेंगे, ऐसा उसका रास्ता निकल जाएगा।
देखो ऐसा नहीं, अब आप लोगों को गड्ढे में गिरना तो हम नहीं बचा सकते, नरक में जाना तो नहीं बचा सकते। जिसको किसी का एक्सीडेंट हो सकता हो रहा है तो उसे बचाया जा सकता है, जो आत्महत्या करने पर उतारू उसे कोई नहीं बचा सकता। अभी वो आप कल बताएंगे अच्छे से, उसको भी बाकी अभी अभी बहुत सारी बातें हैं, इसमें बाद में कंटिन्यू कर लेंगे, आज इतना ही रखते हैं। कल रविवार है, पात्र का चयन है वेदी प्रतिष्ठा का, इस बात को ध्यान रखना है। सभी लोगों को अच्छे